मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी। इसी तरह की कुछ खास बात है कोटा के हमारे हैंगिंग ब्रिज की। ये हैंगिंग ब्रिज 29 अगस्त 2017 को ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की सड़क पर कोटा में चंबल नदी पर इसका उद्घाटन किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रिमोट दबाकर उदयपुर से। अपने शहर कोटा को इतनी बड़ी सौगात मिलने की खुशी में भारी संख्या में लोगों ने वहां पहुंचकर इस उद्घाटन का स्वागत किया। इस इवेंट के दौरान इस पर रंग बिरंगी एलईडी लाइट्स लगाई गई। साल 2007 से चंबल नदी पर इस ब्रिज का निर्माण शुरू हो गया था। 2009 में ब्रिज के दूसरी ओर निर्माणाधीन पिलर गिरने से 48 मजदूरों की मौत हो गई थी। उसके बाद कोर्ट में कई केस चले और फिर से इसका निर्माण शुरू हुआ और आज ये अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ ट्रैफिक को झेलने के लिए तैयार है। इसके बारे में कुछ विशेष जानकारियां हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। केबल के भीतर स्टैंडर्ड आयरन का इस्तेमाल किया गया है जो कि HDPE पाइप के अंदर होते हैं। ये एरोडायनामिक है ताकि तेज हवा का कोई असर न हो। इसकी उम्र 50 साल है। देश में ये पांचवा हैंगिंग ब्रिज है। इसके 1.4 किमी लंबाई में से 350 मीटर का हिस्सा हैंगिंग रहेगा जो देश में अभी तक का सबसे बड़ा है। मुंबई के सीलिंग के हैंगिंग पार्ट की लंबाई 250 मीटर है। इलाहाबाद का नैनी ब्रिज 260 मीटर, कोलकाता के दो ब्रिज 200 मीटर और 110 मीटर हैंगिंग ओपनिंग वाले हैं। इस ब्रिज में 8 देशों के एक्सपर्ट तकनीक काम आई है। डिजाइन में फ्रांस की सिस्ट्रा, सुपरविजन यूएस की LGB कंपनी के जिम्मे है। प्रूफ चेकिंग कंसल्टिंग कंपनी डेनमार्क की कोवी इंजीनियरिंग है। बेरिंग इटली तो जापान से केबल आई है। केबल का काम फ्रांस की कंपनी फ्रेसिनेट ने किया है। स्पेशल स्टील यूक्रेन जापान से आया है। निर्माण साउथ कोरिया की हुंडई और भारत की गेमन इंडिया कंपनी ने किया है। इसमें पिलर में एक होलो हिस्सा है जो 2.5 मीटर चौड़ा है। ये इतना चौड़ा है कि एक हाथी आराम से इसमें खड़ा हो सकता है। इस होलो सॉफ्ट को इसलिए बनाया गया है ताकि इसमें लगे हुए केबल की स्वास्थ्य की जांच की जा सके। इसमें जगह जगह बेरिंग लगे हुए हैं और इस प्रकार के सेंसर लगे हुए हैं जिससे कि इसकी क्षमता से अधिक लोड होने पर ऑटोमेटिक ही सायरन बज जाएगा, प्रशासन तक तुरंत पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। हमारे साथ इसी तरह से बने रहें और भी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल विज्ञान विहान को जरूर सब्सक्राइब करें। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।